नमस्कार, मैं हूँ सोनिया जेसवाल। आप देख रहे हैं एचएमएस वक्त हो गया है खबरों का। भारतीय रेलवे सुरक्षित यात्रा के लिए यात्रियों को अनगिनत सलाह देती रहती है, जिनमें से एक ये भी है कि लोग चलती ट्रेन में चढ़ने या उतरने का प्रयास ना करें। लेकिन अक्सर यात्री इन सलाहों को दरकिनार कर अपने मन की कर बैठते हैं, जिसका खामियाजा भी उन्हें उठाना पड़ता है। लेकिन लोग है कि मानने को तैयार नहीं। मध्य प्रदेश के इंदौर में ऐसा ही हुआ, जब एक महिला चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन इसी दौरान उसका संतुलन बिगड़ गया और वो गिर गई। गिरी भी इस तरह कि वह ट्रेन के नीचे ही जाने वाली थी, लेकिन रेलवे स्टेशन पर तैनात एक अलर्ट यात्री तुरंत महिला की तरफ दौड़ा, जिसके बाद महज कुछ ही सेकेंड में वहां रेलवे स्टेशन पर मौजूद कई यात्री एकत्र हो गए। उधर ट्रेन यात्रियों ने चेन खींच दी, जिससे रेल रुक गई और इस तरह महिला की जान बचा ली गई। इंदौर आरपीएफ की तरफ से इसका वीडियो फुटेज जारी किया गया है, जिसमें महिला को चलती ट्रेन में सवार होने की कोशिश करते और अचानक फिसलकर गिर जाने तथा यात्रियों द्वारा उसे बचाने की कोशिश करते देखा जा सकता है। रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी हेमराज मीना की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक यह घटना मंगलवार की है। महिला एक आदमी और बच्चे के साथ ट्रेन में सवार होने की कोशिश कर रही थी। पीआरओ के मुताबिक सामान ट्रेन में रखने के बाद महिला के साथ यात्री करा शख्स और बच्चा ट्रेन में सवार हो गए, लेकिन महिला फिसलकर गिर गई और चलती ट्रेन के नीचे आने से बाल बाल बची। प्लेटफॉर्म पर मौजूद सतर्क यात्री उसे उठाने के लिए दौड़े तो ट्रेन के सहयात्रियों ने चेन खींच दी, जिससे ट्रेन रुक गई और इस तरह महिला की जान बच गई। ये थी हमारी आज की खबरें। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए एचएम न्यूज के साथ।